क्या आपको पता है यामाहा ने जब अपनी पहली बाइक YA1 1955 में बनाई तो वो उन्होंने सिर्फ बना के बेची ही नहीं बल्कि उसी साल पहले ही साल के अंदर उससे रेसेस में पार्टिसिपेट किया और काफ़ी रेसेस जीती भी। ये मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि आज हमारे पास है यामाहा YZF R15 का वर्ल्ड GP 60th एनिवर्सरी एडिशन। मेरा नाम है शराज, स्वागत है आपका NBT लाइफ में। और इसका जो रिव्यू है ये हम बहुत ज़्यादा लंबा नहीं रखेंगे क्योंकि ऑल न्यू बाइक नहीं है, सब कुछ आप इस बाइक के बारे में जानते हैं। तो मैं आपको तीन वो बातें बताऊंगा जो अभी तक किसी ने नहीं बताई हैं, मैं गारंटी देता हूँ इस बात की। और क्योंकि रिव्यू है तो थोड़ी सी बात कर लेंगे हम इसके परफॉर्मेंस की, हैंडलिंग की, फ्यूल एफिशिएंसी की जिसको लोग माइलेज भी बोलते हैं, और वाइब्रेशन वगैरह की। तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहली चीज जो अभी तक आपको किसी ने नहीं बताई V4 के बारे में कि इसकी VVA टेक्नोलॉजी और V3 की जो VVA टेक्नोलॉजी है, टेक्नोलॉजी सेम है। इनफैक्ट थोड़ी सी आपको बैकग्राउंड दे देता हूँ। जब V3 में यामाहा VVA टेक्नोलॉजी लेकर आए और उसके बाद MT-15 में, और इनफैक्ट जो वर्जन 2 MT-15 का आया है, तो इसके अंदर जब VVA किक इन करता है जो हम बोलते हैं, जब वो छोटी कैम से बड़ी कैम पे जाता है, वो जाता है 7300-7400 RPM पे। अभी तक आपने कहीं नहीं सुना होगा, कहीं नहीं पढ़ा होगा कि V4 के अंदर वो जो पॉइंट है बड़ी कैम पे जाने वाला, वो अब यामाहा नीचे ले आए हैं 6800-6900 पे बड़ी कैम पे जाता है। और उस टाइम पे आपकी जो स्पीड होती है 9900 के करीब होती है, अब ये मान के चलिए 100 होती है। तो वैसे तो मैं फ्यूल एफिशिएंसी का अलग से वीडियो डाल दूंगा, उसके आप नीचे रखेंगे तो आपको बहुत अच्छी फ्यूल एफिशिएंसी मिलेगी। दूसरा पॉइंट जो अभी तक आपको किसी ने नहीं बताया होगा, या अगर बताया होगा तो उसके अंदर थोड़ी सी गलत इन्फॉर्मेशन रही होगी, इसमें जो क्विक शिफ्टर है, मतलब वर्जन 4 में, सिर्फ इसी में नहीं, एनिवर्सरी एडिशन में नहीं, वर्जन 4 में जो क्विक शिफ्टर आया है, कुछ लोगों ने बताया होगा आपको कि 2000 के ऊपर काम करता है, कुछ लोगों ने बताया होगा 3000 के ऊपर काम करता है। एक्चुअली दूसरे गियर में जब आप होते हैं तो दूसरे गियर से जब आपको तीसरे गियर में जाना है उस टाइम पे 3000 RPM के ऊपर ही क्विक शिफ्टर काम करेगा। तीसरे गियर के बाद, तीसरा, चौथा, पांचवा, उसके बाद 2000 RPM के ऊपर क्विक शिफ्टर काम करता है। तीसरा पॉइंट देखिए, ये सिर्फ इसके ऊपर एप्लीकेबल नहीं है, वर्जन 1, वर्जन 2, वर्जन 3, वर्जन 4 सबके ऊपर एप्लीकेबल है। होता क्या है कि ज्यादातर मोटरसाइकिल्स में जो इंजन में जो सिलेंडर होता है उसमें स्लीव ठुकी हुई होती है, इसमें ऐसा नहीं है। आम लफ्जों में बात करूं तो एक यूनिट है, डाईकास्ट यूनिट है। उसका फायदा क्या है? फायदा यह है कि भाई साहब बुलेट प्रूफ रिलायबिलिटी मिलती है आपको। तो ये था तीसरा पॉइंट। तो अब नॉर्मल रिव्यू की जो बातें होती हैं वो कर लेते हैं। स्टार्ट करूंगा परफॉर्मेंस से। देखिए, जब ये शुरू में आई थी और अभी तक सब हम लोग ये बोलते हुए आए हैं कि यार पहली 150 cc बाइक है जो 150 जाती है। अब वो जो 150 है वो स्पीडोमीटर पे होता है, पर एक्चुअल स्पीड अगर मैं इसकी बात करूँ टॉप एंड V4 की GPS स्पीड, वो 140 क्रॉस कर जाती है। 150 cc की कोई ऐसी बाइक नहीं है इंडिया में जो ये कर पाए। इस परफॉर्मेंस के साथ साथ VVA टेक्नोलॉजी की वजह से फ्यूल एफिशिएंसी भी बहुत अच्छी है। जैसा कि मैंने आपको बताया, अगर आप इसको 100 के नीचे चलाते हैं तो बेहतरीन लेवल की आपको एक फ्यूल एफिशिएंसी मिलती है। वो फिगर क्या है आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं। और अगर आप इसको कंटिन्यूसली 7000 RPM के ऊपर रखते हैं, बिल्कुल रगेत के चलाते हैं, तब भी ये आपको 40 के आसपास दे देती है। अब बात कर लेते हैं उस पॉइंट की जिसकी वजह से उसूलन ये मोटरसाइकिल खरीदी जानी चाहिए, वो है इसकी हैंडलिंग। भाई साहब, इससे ज़्यादा अच्छी हैंडलिंग किसी भी मोटरसाइकिल की नहीं है। और जी हाँ, मैं सिर्फ इस सेगमेंट की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं आप कोई सा भी सेगमेंट उठा लीजिए। इनफैक्ट 2015-16 में जब मैंने ट्रायम्फ डेटोना टेस्ट करी थी,
मैंने उसके रिव्यू में लिखा था, वो टेक्स्ट रिव्यू था, उस ज़माने में हम वीडियो रिव्यू नहीं करते थे, कि ये ऑलमोस्ट R15 की तरह हैंडल करती है। तो अब आप लगा लीजिए, मतलब आप ये देखिए, ये बनी है ट्रैक के लिए, जिसको कि आप रोड पे भी चला सकते हैं, रोड लीगल ट्रैक बाइक आप इसको बोल सकते हैं। इतनी खूबसूरत हैंडलिंग है इसकी, आप कॉर्नर पे जा रहे हैं, बस आपने सोचा और ये बाइक सुन लेती है और एग्जैक्टली वही लाइन लेती है जो आपके दिमाग में होती है। और तो बेसिकली जब आप इसको लेफ़्ट राइट, जब आप इसको कटाई, जिसको हम बोलते हैं आम लफ्ज़ों में कटाई, कटाई बहुत अच्छी है, पर उसके बावजूद सबसे मज़ेदारी वाली बात यह है कि हल्की होने के बावजूद और लेफ़्ट टू राइट जो ट्रांजिशन है उसके अंदर बिल्कुल भी मेहनत नहीं लगती है, क्योंकि हल्की है बाइक, पर उसके बावजूद स्ट्रेट लाइन स्टेबिलिटी है। मतलब आप 130 140 पे भी चला रहे होते हैं, टस से मस नहीं होती है, चिपक के चलती है जैसे कि टायर्स में फेविकॉल लगा हुआ हो। तो अगर आप ये मोटरसाइकिल लेते हैं तो कोशिश करिए कि आप ट्रैक डेज पे जाया करें, और तभी आप इसका जो बेहतरीन वाला, जिसके लिए ये चीज़ बनी है, वो मज़ाक उठा पाएंगे। तो अब बात कर लेते हैं वर्डिक्ट कि भाई ये लेनी चाहिए या नहीं। देखिए एक बात बताऊं, वर्जन 1 से लेकर अभी तक ज़्यादातर R15 के जो ख़रीदार हैं, ये गाड़ी जो बिकी है, उन लोगों ने जो ख़रीदी है, वो इसकी लुक्स की वजह से ख़रीदी गई है ये, जो कि बुरी बात नहीं है। और कुछ लोगों ने तो मुझे ये भी बोला है कि भाई R15 ने हमें फ्रेंड जोन से बाहर निकाल दिया, ठीक है। और वर्जन 1 वालों के मुँह से मैंने ये ज़्यादा सुना है, क्योंकि उसकी जो पिलियन सीट थी उस पर आराम से बैठ सकती थी आपकी गर्लफ्रेंड, वाइफ, बॉयफ्रेंड। और वर्जन 2 और वर्जन 3 वालों ने बोला है कि क्योंकि उसकी सीट हाइट बहुत ऊंची है, इसकी भी कोई नीची नहीं है, कि हमारा ब्रेकअप करा दिया है। पर देखिए, मेरा ये कहना है कि लुक्स के लिए आप बाइक लीजिए, बिल्कुल लीजिए, पर जैसा कि मैंने आपको हैंडलिंग के बारे में बताया, आप इस बाइक को इसकी हैंडलिंग के लिए लीजिए, आप इस बाइक को इसकी परफॉर्मेंस के लिए लीजिए। एक बात जो मैंने परफॉर्मेंस में नहीं बताई आपको, कि जो वाकई में कदरदान है, वो इस, उनको एक परफॉर्मेंस की इसकी एक चीज़ बहुत अच्छी लगती है, कि जो ये खिंचती है, जो रेड लाइन, जो RPM है, वो जो जाता है आपका 11,000-11,500 RPM तक, वो जो है वो आपको हर बाइक में नहीं मिलता है। और 150 cc की बाइक इतनी अच्छी परफॉर्मेंस, इतनी अच्छी फ्यूल एफिशिएंसी, और सबसे ज़्यादा अच्छी हैंडलिंग, तो इतने पैसे जो ये आजकल ले रहे हैं, भाई देखिए इसमें इन्होंने ट्रैक्शन कंट्रोल भी दे दिया है, जो कि मेरे हिसाब से ज़रूरत नहीं है, पर ठीक है, जो बिल्कुल न्यू राइडर्स हैं, मिट्टी मिट्टी में उनको जो है वो गिरने से बचा सकता है। अब उम्मीद मैं ये करूँगा कि जब वर्जन 5 आएगा तो उसके अंदर यामाहा एडजस्टेबल सस्पेंशन आगे और पीछे देगा, पावर ना भी बढ़ाए तो चलेगा, बस एडजस्टेबल सस्पेंशन दे दें, तो जैसे कहते हैं ना कि पैकेज में 4 चांद लग जाएंगे। तो ये था मेरा रिव्यू यामाहा YZF R15। जी हाँ, ये है इसका पूरा नाम, हम लोग R15 बोलते रहते हैं, यामाहा YZF R15 वर्ल्ड GP 60th एनिवर्सरी एडिशन का रिव्यू। आपके जो भी सवाल हो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछिएगा, सब्सक्राइब ना कराओ तो प्लीज़ कर लीजिएगा। बहुत जल्द मुलाकात होती है नए वीडियो के साथ, बहुत बहुत शुक्रिया देखने के लिए।